चंडीगढ़ के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि फिर से सामने आई है जीतन राम मांझी की नाराजगी। दरअसल बेटे के मंत्रालय को लेकर जीतन राम मांझी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। मांझी के बेटे को बड़ा पद नहीं दिया गया, बेटे को छोटा विभाग मिलने पर वो भड़कते हुए नजर आए। फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। दरअसल बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार द्वारा विश्वास हासिल किए जाने के पहले जीतन राम मांझी ने बड़े बयान दे दिए हैं और मांझी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को छोटे विभाग यहां पर दिए गए, क्योंकि विभागों के बंटवारे हो गए हैं, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि 5 जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है, 9 विभाग डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। उस बीच जीतन राम मांझी के बेटे के विभाग से नाराज नजर आ रहे हैं। प्रिया संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे, जिनको सामाजिक कल्याण विभाग मिला है और इसी को लेकर के वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से पहले भी कह चुके हैं कि मुझे तो महागठबंधन की तरफ से INDIA की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन यहाँ पर तो और मंत्री पद मिला। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स वो करने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा क्लियर है कि वो काम करता नजर नहीं आ रहा। 2 विभाग तो छोड़िए, आपको सामान्य विभाग मिल रहा है आपके बेटे को। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को तो कहा जाता है कि वो एक दल से दूसरे दल बहुत ईजिली चले जाते हैं। जीतन राम मांझी उनमें से एक हैं जो कि एकदम से किसी दूसरे गठबंधन के साथ रहेंगे और उसके बाद दूसरे पल दूसरे गठबंधन में चले जाएंगे, तो क्या ये उनका कोई इशारा था या फिर प्रेशर, जैसा पूजा ने कहा।